मैथमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें होता क्या है? एपी जो है, अच्छा ठीक है, एपी पहले एक बताओ, एपी जीपी जो पढ़ते हो और एचपी भी पढ़ते हो, वो सारा है क्या? होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन सीरीज, ठीक है? तो एपी जो है वो क्या है? तो कंसेक्यूटिव, ये सीरीज है, पहले तो ये है, और वो सीरीज ऐसा है जिसमें दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो डिफरेंस होगा, दैट इज सेम नहीं बोला जाता, इक्वल बोला जाता है, इक्वल, सेम टर्म डिफरेंट हो जाता है मैथमेटिकली। अगर दो टर्म इक्वल है, 5 and 5, तो आप उसको इक्वल बोलोगे, सेम नंबर भी बोलोगे, ठीक है? ठीक है, तो डिफरेंस जो होगा वो सेम होगा। जीपी भी पढ़ा है, जीपी में क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो नंबर्स, सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो नंबर्स, ठीक है? उसमें जीरो टर्म नहीं आता जीपी में। और मैम ये टर्म प्रीसीडिंग होता है और हमेशा कांस्टेंट क्वांटिटी का होता है। कांस्टेंट क्वांटिटी, ओके। देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो क्या है? एपी, इसमें आप क्या करते हो, पहले तो सारा का सारा जो एपी जीपी एचपी जो भी पढ़ रहे हो, है क्या? सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। सीक्वेंस ऑफ नंबर के मतलब नंबर लिखा है, मान लो 2, 4, 6, 8 ऐसा कुछ लिखा है, 10, 12 कंसेक्यूटिवली जा रहा है, तो ये टर्म क्या हो जाता है? एपी। जिसमें आप क्या कर रहे हैं, जो कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस मीन्स 4 - 2 = 2, सेकेंड टर्म इन दोनों का डिफरेंस ले रहे हो, नेक्स्ट टर्म होगा 6 - 4 जो होगा दैट इज ऑल्सो 2, सो जितने भी डिफरेंसेस होंगे वो इक्वल होंगे, तब वो एपी है। दूसरे केस में जीपी में क्या करते हैं, जो कॉमन रेशियो टर्म यूज होता होगा, है पढ़ा है ना, कॉमन रेशियो में क्या आ जा रहा है? आप टर्म लोगे क्या, रेशियो मीन्स 4/2, 6/4, तो ये टर्म आपका इक्वल हो जाएगा 6/4, 8/4, अगर ऐसा नंबर्स है तो वो अगर ये है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और अब एचपी भी होता है। ये देखिए ये 2 आ रहा है ना, और ये क्या आएगा, सिग्मा फोर क्या आ जाएगा, 3/2 आएगा, 1.5 होगा, तो इक्वल नहीं है। तो ये एपी सीरीज है, अगर ये इक्वल होता तब वो जीपी सीरीज होता, ठीक है? और जीपी सीरीज से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है वो ज्यादा टफ होता है ना, एपी तो बन जाता है। अच्छा इसमें आपने क्या करा है, सम ऑफ नंबर्स, अरिथमेटिक मीन, सीरीज में अरिथमेटिक मीन नहीं आता, ऐसे अरिथमेटिक मीन पढ़ते हैं वो अलग है, ज्योमेट्रिक मीन भी होता है, हार्मोनिक मीन भी होता है, मीन तो वो अलग चीज है। सम ऑफ नंबर्स क्या होता है अरिथमेटिक मीन में? ऐसे इनका फॉर्मूला बड़ा है, सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ एन नंबर्स, बताओ क्या है? n/2 2a plus n minus 1 into d. 2a plus n minus 1 into d. और ये d क्या है? Common difference. A क्या है? First term. और n क्या है? Number of terms. अगर मान लीजिए number of terms last term दिया हुआ है, suppose यहाँ पे last term मान लो 100 है, तो क्या हो जाएगा? Sn is equal to 2 by 2.
टू ए सो टू इंटू टू ए प्लस ए प्लस पहले ये सीरीज था हमारे पास ये हंड्रेड नंबर है लास्ट सीरीज सम ऑफ सीरीज एसएन का मतलब है टोटल सीरीज जो भी है उसका सम कर रहा है जब सम कर रहे हैं तो कितना सम करके आएगा वो रिजल्ट भी आपका एसएन बता रहा है एन है वो नंबर ऑफ टर्म्स बताएगा टू ए तो आपका टू ए ही है ए टर्म जो भी है वो लिख लो एन क्या है एन मान लो हमको मिसिंग है जो भी होगा क्वेश्चन इसी तरह का आता है या तो आपको n के बारे में इन सब इंफॉर्मेशन की चीज बताइए ये सारा फॉर्मूला हमारे पास ये है इसमें से कितने टर्म्स मिसिंग होंगे तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कोई एक टर्म मिसिंग है तो कैलकुलेट हो जाएगा एक से ज्यादा टर्म मिसिंग है तो कैलकुलेट हो सकता है कैसे यहाँ के किस के अगर मान लीजिए जिस सीरीज का सब निकालना है तो कैसे निकालोगे बताओ निकालो सीरीज का सम निकालना है एसएन निकालना कैसे निकलेगा फॉर्मूला यही है कैसे कैलकुलेट करेंगे इंफॉर्मेशन इतना ही गिवन है और कोई फॉर्मूला यूज होता है इसमें लास्ट टर्म में बेस एक फॉर्मूला है Sn is equal to n by 2 into 2550 a plus an a likho ya n is the last number aa jayega mam 2550 2550 yes ma'am yeah kya answer hai batao aap इसमें ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो है ना फर्स्ट सम दिया हुआ है लास्ट सम में दिखा हुआ है फर्स्ट सम प्लस लास्ट सम सम n by 2 n टर्म्स निकालना है n कैलकुलेट कर लीजिए ऐसे ना जाएगा नहीं भैया
आगे पढ़े हो ना, ऑनलाइन जितने लोग हैं सबसे बन गया है, पढ़े हुए हो ये ना, तो बना रहे मैम। आर्थमेटिक सीरीज में 3 से 4 फॉर्मूला है, बस उतने ही पे सारा क्वेश्चन बन जाता है, बना आपका मेरे को बन गया। आपको ए पता है, ए एन ये आपका सीक्वेंस है, एन नंबर क्या है, 100 2 + n - 1 n minus 1 that would be short to because n का नंबर चाहिए, कॉमन डिफरेंस क्या है, 4 minus 2 2 so कॉल कर लो 100 2 plus 2n minus 2 कैंसिल मैम 1000 लिख दिया, n is equal to क्या हो जाएगा, 2n is equal to 100 so n is equal to अच्छा लास्ट टर्म फॉर्मूला लास्ट टर्म क्या है, मैम मैं स्टार्टिंग में बोली थी 2550 आपका आंसर करेक्ट है, ए एन निकालना, ए एन नहीं एन निकालना पड़ा था ना हमें, यहाँ से क्या मिला है, एन मिला है ना, देखो ये जो टर्म दिया हुआ है ना, ये बोल सकते हो आपकी फर्स्ट टर्म है, ये बोल सकते हो सेकंड टर्म है, फर्स्ट टर्म है, फोर्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म है, ये कौन सा टर्म है नहीं पता है ना, तो एन मान रहे हैं यहाँ पे, और एस एन क्या चाहिए, एस एन में क्या चाहिए होता है, इसका फॉर्मूला अगर ये लगाएंगे तो ये होगा, अगर ये लगाएंगे तो आपका क्या जाएगा, 2a + n - 1 p ये है ना, तो ये nth नंबर तो पता नहीं है, ये nth नंबर मालूम होगा तभी सॉल्व कर सकते हो, तो ये nth नंबर अब आपके पास यहाँ पे जब इस फॉर्मूला को हम यूज कर रहे हैं तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन मिसिंग है, ये n भी हमें नहीं मालूम है और ये sn हमें कैलकुलेट करना है, अब एक ही इक्वेशन में दो दो वैल्यू मिसिंग है तो सॉल्व नहीं कर सकते, एक इक्वेशन में अगर एक वैल्यू मिसिंग है तो सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर एक ही इक्वेशन में दो वैल्यू मिसिंग है तो सॉल्व नहीं कर सकते, तो यहाँ से या तो आपको n निकालना होगा या sn पता होना चाहिए, तो sn हमें पता ही नहीं है इसमें, एन कैलकुलेट करना पड़ेगा और एन कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो हम ये निकाल सकते हैं, इससे को निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे बाकी का इंफॉर्मेशन हमें पता है, ए एन पता है, ए मालूम है,
एंड नहीं मालूम है और डी मालूम है रूप है, तो इस पूरे इक्वेशन में क्या मिसिंग है? सिर्फ एक ही टर्म है जो मिसिंग है, जो कि एन है। तो ये मिसिंग टर्म हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, उसका वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में यही होता कि आपको एफ एम इज इक्वल टू 255 बिलो गिवन होता, तब आप यहाँ से एन निकाल सकते हैं, ठीक है, इस तरह से निकाल सकते। और अगर देखो ऐसे यहाँ मालूम है, ठीक है, आपको ऐसे मालूम है, फर्स्ट टर्म मालूम है, तो आप लास्ट टर्म भी निकाल सकते हैं फ्रॉम दिस पॉइंट, निकाल सकते हैं ना, क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है वो देखो। आप इसे इस फॉर्मूला को आप यूज कर सकते हो, जब आपको एसएन गिवन हो, फर्स्ट टर्म गिवन हो, एन भी मालूम हो, लास्ट टर्म निकालना हो, तब निकाल सकते हो, ठीक है। तो क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है ना कि किस टर्म में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, जिस टर्म में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उससे रिलेट करके बाकी का टर्म्स कैलकुलेट करो, बस, ठीक है। क्वेश्चंस का कलेक्शन अभी तो है equal to 51. ये
एन माइनस वन बी, वो तो इसका एन नेचुरल नंबर से भी निकाल लोगे, रियल नंबर वाला जो फॉर्मूला है सम ऑफ एन टर्म्स 1, 2, 3, 4, up to 100, up to 1000 कुछ भी हो वो फॉर्मूला ये है sum of n natural numbers, ये formula लिख लीजिए, जिनको पता है वो ठीक है, नहीं भी पता है तो नोट कर लो, ये कहीं भी मिल सकता है, मैथमेटिक्स के बाहर भी मिल सकता है, sum of n natural numbers, वो आपका ये हो जाएगा। अब कितने भी numbers होंगे उसका sum कर लो, अब ये चीज देखिए आपके पास 10 का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 10 है, तो 10 into 10 plus 1 that is 11, ऐसे लिख देते हैं, 55 क्या हो जाएगा 55 a plus l यही बोल रहा है ना, फर्स्ट टर्म आपका 1, सेकंड टर्म लास्ट 10 है, डिवाइडेड बाय 2 यही बोल रहा है, n टोटल कितना आएगा, n, अच्छा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म सिर्फ ले रहे हो, n नहीं ले रहे हो, अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है, a भी दिया हुआ है, m is equal to 10 plus 1 by 2 लेकिन ये फॉर्मूला जनरलाइज हमेशा नहीं, हमेशा वैलिड नहीं, इस केस में अगर कह रहे थे आ रहा है उसमें भी आ रहा है, अब ये तब हो सकता है जब सीक्वेंस जो हो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता और कांस्टेंट डिफरेंस होता, और अर्थमेटिक मीन ऐसे केसेस में भी निकाला जा सकता है जहां पे ये सीक्वेंस प्रोग्रेशन इस फॉर्म में ना हो, अभी निकालते हैं ना, जैसे सबका एक डिफरेंट डिफरेंट है, मान लीजिए 2 + 3 + 4 ऐसा कुछ है, इसका भी अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं, ये अर्थमेटिक मीन में आपका ये वैल्यू, ये जो तरीका है वो वैलिड नहीं, ये तभी वैलिड है जब आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता फिक्स कॉन्स्टेंट डिफरेंस होता, कॉमन डिफरेंस में इक्वल होता है ना कोएफिशिएंट ऑफ एन का, कॉमन डिफरेंस अगर इक्वल है तब आप अर्थमेटिक मीन इस तरह से भी निकाल सकते हैं, अगर ये कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं होगा तब ये वैलिड नहीं है, मीडियन मोड अलग चीज होता है, सिग्मा मीन क्या होता है, सिंपल, हाँ सिंपल मीन, तो फिर आप वैसे ही निकालना पड़ेगा, लेकिन हाँ अगर ये चीज को सम ऑफ नंबर पता है तो फिर निकाल लो, एक ही बात, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से बनाए हैं कुछ क्वेश्चंस आप लोग, एक मिनट रुको कुछ तो देखते हैं, Thanks.
एवरेज से रिलेटेड आर्थमेटिक मीन एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाए हो कंपटीशन लेवल का वो कैलकुलेशन डेटा गिवन है एवरेज निकाल रहे हैं निकालने में 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे पता नहीं कितना टाइम लग रहा है वैसा नहीं ऐसे कॉम्पिटिटिव के बेसिस पे नहीं यस मैम गला है और हार्मोनिक मीन पे बेस हार्मोनिक प्रोग्रेशन था एक और नहीं था उसमें जब भी अप्लाई होता है तो वो हार्मोनिक मीन अप्लाई होता है उसका कॉन्सेप्ट जरूरी है जैसे मान लो स्पीड टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन होता है ना जैसे मान लो एक आदमी 10 लोग मिलकर कोई काम कर रहे हैं या फिर एक आदमी 10 दिन में कोई काम करता है ठीक है दूसरा एक सपोज 10 दिन में कोई काम कर रहा है मान लीजिए 20 दिन में वही काम कर रहा है तो दोनों मिलकर कितना काम करने वाला है अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा आप क्या करोगे एक दिन की बात कर रहे हैं ये 10 डेज में काम कर रहा है उसका पूरा वर्क पूरा है तो एक दिन में वो कितना काम कर रहा है 1/10 तो यहाँ पे क्या आ रहा है 1/10 प्लस 1/20 ऐसे ऐड करोगे तब वो दोनों के कॉम्बिनेशन पे जो वर्क होने वाला है वो होगा और ये जो रेट ये जो तरीका है एडिशन करने का वो हार्मोनिक में ही आता है जो ऐड करते हैं आप इस तरह से अगर ऐड करते हैं और इसी में हार्मोनिक मीन में क्या होता है जो टर्म है दैट 1/ ये समेशन ये समेशन करने का तरीका जो है वो हार्मोनिक में चला जाता है तो ये चीज हमें कॉन्सेप्ट जानना होता है इसका मैम क्वेश्चन क्या था ए ने किसी काम को 10 डेज में किया है बी ने 20 डेज में तो दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे मैम 10 डेज दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर लेंगे वो कॉम्बिनेशन इस तरह से 1/10 1/20 ये इसके बेसिस उसमें रेट जहां वर्ड रेट आता है ना रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग अब किस रेट से कोई काम कर रहा है स्पीड अगर बता रहा है तो क्या बता रहा है रेट ऑफ डूइंग समथिंग कोई काम कर रहे हैं एक दिन में कर रहे हैं 10 दिन में कर रहे हैं वो क्या बताता है रेट ऑफ दैट वर्क 6 आवर सही है क्या क्या बोल रहे हैं आंसर 6 डेज 6 आवर डेज 6 आवर अगर रेट वर्ड आ जाता है तो हमेशा हार्मोनिक के फॉर्म में चले जाओ हार्मोनिक पढ़ना होता है बहुत ज्यादा डिटेल में उसमें क्वेश्चन नहीं होता उसका एप्लीकेशन बाकी के फील्ड्स में मिलेगा ऐसे उस पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं होगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होता है बहुत ज्यादा लेंथी होता है उसका कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लेंथी होता है इवन ज्योमेट्रिक जो है ज्योमेट्रिक मीन उसका भी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लेंथी होता है अगर आप सोचो ज्योमेट्रिक मीन में क्या टर्म आ रहा था एक्स वन ऑब्जर्वेशन सेकेंड थर्ड ऑब्जर्वेशन इसी तरह मान लो 10 ऑब्जर्वेशन है एक्स 10 और उसका पावर आप 1/10 कर रहे हो अब सोचो ये जो 10 नंबर है उसका मल्टीप्लाई करना है क्या ये पॉसिबल है अगर बहुत ज्यादा नंबर्स होंगे तो क्योंकि ये प्रोडक्ट है
टेन में टेन को एड करना हो तो ये सारा आराम से बन जाएगा, बट ये प्रोडक्ट वाला टर्म है तो मल्टीप्लाई करोगे फिर उसका पावर वन बाई टेन। बहुत सारे लोग को 1/10 वाला पावर पता भी नहीं होगा जो दिन तक मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं होगा, पावर 1/10 कैलकुलेट करना और मुश्किल हो जाएगा। अब उसको सॉल्व करोगे तो ये कितना ज्यादा कैलकुलेशन है, तो क्या इस पे प्रैक्टिकली पॉसिबल है इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन देना? नहीं पॉसिबल है। जब तक कैलकुलेटर अलाउ नहीं किया जा सकता सारा कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है, तो उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे। लेकिन अगर इसी में मान लो 3-4 डिजिट का दिया हुआ है नंबर तो कर सकते हो, दो तीन ऑब्जर्वेशन है तो कर सकते हो। वही चीज हार्मोनिक बीइंग में अगर है जो 4 ऑब्जर्वेशन तक दिया हुआ है क्वेश्चन तो सॉल्व कर सकते हो, अगर 10 ऑब्जर्वेशन दे देता है 100 ऑब्जर्वेशन दे देता है वो पॉसिबल नहीं, लेकिन आर्थमेटिक बीइंग में वो पॉसिबल है। अगर आर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में दिया हुआ है तो सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में भी दिया हुआ है तभी ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करने में ज्यादा प्रॉब्लम होगा, बिकॉज उसमें ऑब्जर्वेशन का ये मल्टीप्लीकेशन जो है उसको रिड्यूस करने का कोई ऑप्शन नहीं है। आर्थमेटिक जब आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़े होंगे आप देखे होंगे ज्योमेट्रिक सीरीज आपके पास होता है उसमें SN निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ टर्म्स निकालते हो, लेकिन सम ऑफ टर्म्स को यहाँ चाहिए नहीं, यहाँ क्या चाहिए प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स। और प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स निकालने का और कोई और तरीका है? लॉग लेके करो, लॉग लेके भी करोगे तब भी आपको लॉग टेबल चाहिए, सारा का सारा लॉग वैल्यूज भी पता नहीं होगा, विदाउट कैलकुलेटर ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसलिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन अगर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, इसलिए वो नहीं पढ़ते। ठीक है, हार्मोनिक मीन का जो बोल रहे हैं एप्लीकेशन किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको रेट देगा। अगर इसी में बहुत ज्यादा ठीक है, यही चीज डिफरेंस हो जाता है। तो ये चीज ध्यान में रखो, GPAP का जो भी है सबसे ज्यादा वास्ट क्वेश्चन अगर बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, सीरीज पूछा जाएगा तो GP सीरीज ज्यादा पूछने वाला है, GP सीरीज, लेकिन ज्योमेट्रिक मीन नहीं पूछा जाएगा। GP सीरीज होगा उसमें दो फॉर्मूला है ना, a टू द पावर r समथिंग 1 माइनस a का टर्म है ना, and the power n minus 1 a into r वो फॉर्मूला सम ऑफ नंबर जो है, और रेशियो कैसे निकालते हैं? रेशियो का भी दो फॉर्मूला है, व्हेन कॉमन डिफरेंस इज लेस देन 1, व्हेन कॉमन रेशियो जो है ग्रेटर देन 1, तब दोनों फॉर्मूला। अब उस पे बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं और आगे कहीं भी और कुछ भी पढ़ोगे सेट्स का कुछ टर्म पढ़ना हो तो वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है? यस मैम। डिस्ट्रीब्यूशन, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है? ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है? नहीं। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन? यस पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन पर्सनल स्पोर्ट्स। हां तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन और कोई डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ा है? नॉर्मल पढ़ा है। ठीक है, नॉर्मल में तो कुछ गलत नहीं है। और कोई पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन अगर पढ़े होंगे तो उसमें एक्सपोनेंशियल सीरीज का यूज होता है, एक्सपेंशन जो आता है e to the power x जो एक्सपेंशन न्यू लिखा है इसी का एक्सपेंशन होता है। अब इस सीरीज का एक्सपेंशन मालूम है तो बना सकते हो क्वेश्चन अगर इसके बेसिस पे है, और वो सीरीज वो जो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल सीरीज होता है उसी तरह से ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो आप शायद नहीं पढ़े हो, उसमें ज्योमेट्रिक सीरीज यूज होता है। जो आप GP पढ़ रहे हो ना वो GP का यूज होता है, जिसमें जैसे देखो बहुत सारा केसेस होता है ना जहाँ इनफाइनाइट टर्म्स में आप जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि आपकी नजर कहाँ तक जा रही है, तो ह्यूमन जो आईसाइट है वो कहाँ तक जाता है? इनफाइनाइट तक देख नहीं सकते, बट जो आईसाइट है वो इनफाइनाइट। अगर आपका हेल्दी आई है तब
इनफाइनाइट है। अब बताओ इनफाइनाइट टर्म्स तक अगर आप कुछ कर रहे हैं जो रिपीटेड हो रहा है, हर दिन रिपीट हो रहा है, एक ही काम आप बार बार रिपीट कर रहे, तो क्या उस रिपीटेशन को हर बार अलाउ करके सॉल्व करना पॉसिबल है, उसने टर्म्स का सम पॉसिबल है? अगर मान लो आपको ये पूछा जाए 1 + 2 + 3 ऐसा कुछ इनफाइनाइट नंबर तक सम करो, क्या ये पॉसिबल है? प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। तो जहां भी ऐसा टर्म्स आता है वहीं के लिए सीरीज टर्म को पढ़ा जाता है, और इस केस में सीरीज और जो सम कर रहे हैं, जो भी टर्म्स निकाल रहे हैं, ये इनफाइनाइट तक जाता है, तब प्रैक्टिकली इसको करना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए कुछ शॉर्ट फॉर्म हम लोग पढ़ते हैं, वो सीरीज और सीक्वेंस में पढ़ते हैं। जब सीरीज टर्म, सीरीज में फाइनाइट सीरीज भी हो सकता है, इनफाइनाइट सीरीज भी हो सकता है। जो आप मैथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं उससे पहले का ये इन्फॉर्मेशन है, सीक्वेंस और सीरीज जो पढ़ते हैं वो इनफाइनाइट भी हो सकता है, फाइनाइट भी हो सकता है। अगर फाइनाइट है, a series which have finite number of terms, that is also called infinite series, or not? If it has finite number of terms, then it is finite series only, no? It is described in